हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलाई स्टडी। इलाई स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने कंप्यूटर के एमसीक्यू और डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द वाइल्ड कार्ड इन अ वेयर क्लाउज इज यूजफुल व्हेन। अब बोलने का मतलब है कि हम क्या करते हैं, एक क्लाउज यूज करते हैं, वेयर क्लाउज, है ना। कहाँ पे करते हैं हम, एसक्यूएल के अंदर बेसिकली, है ना। एसक्यूएल लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं वेयर क्लाउज। तो यहाँ पे बोला कि हम इसको क्यों यूज करते हैं, बेसिकली उसके बारे में पूछता है कि क्या इसका क्या जरूरत है। ठीक है, तो पहला लिखा है एन एग्जैक्ट मैच इज नेसेसरी इन सेलेक्ट स्टेटमेंट, कि मुझे क्या करना है, एग्जैक्ट मैच चाहिए किसमें, सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, सेकंड लिखा है एन एग्जैक्ट मैच इज नॉट पॉसिबल इन सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन में ये लिखा था कि वेयर क्लास अगर हमें चाहिए, हम इसको क्यों यूज करते हैं, किस टाइम पे ये यूजफुल होता है, वो पूछा है ना। तो ये कहाँ कब यूज होता है, जब हमें एग्जैक्ट मैच कराना होता है, जो हमारे सिलेक्ट के साथ हमें नहीं मिल सकता है सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, बोलने का क्या मतलब है, हमें पता है हम सिलेक्ट स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट हम तब यूज करते हैं जब मुझे क्या चाहिए होता है, डाटा को रिट्रीव करना। तो मान लो ये मेरा आ गया डाटाबेस, है ना। अब इस डाटाबेस में मल्टीपल डाटा पड़े होंगे, अब मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर कोई डाटा लेकर आना है ना। तो सिलेक्ट से क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर क्या कर सकते हैं, फील्ड लेकर आ सकते हैं। मतलब मान लो या तो मैं पूरा का पूरा रो लेकर आ सकता हूँ, या तो पूरे के पूरे कॉलम को लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, पर मुझे एक पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड लेकर आना है, किसी एक सिंगल पर्सन का, है ना। तब मुझे क्या यूज करना पड़ता है, वेयर कंडीशन का यूज करना पड़ता है, या फिर वेयर क्लाउज का यूज करना पड़ता है, जिसकी हेल्प से हम क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं। मान लो कोई यूजर है जिसका आईडी नंबर कितना है, 124 करके है। ठीक है, तो वेयर के अंदर मैं ये आईडी पास करूंगा, वेयर आईडी इक्वल टू 124। तो जैसे मैं आईडी पास करूंगा सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, तो सिंपली जो भी यूजर का रिकॉर्ड होगा वो मुझे दिखेगा, सिर्फ जिसकी आईडी होगी 124, बाकी मुझे किसी का नहीं दिखेगा, है ना। तो वही लिखा है कि यूजफुल कब होता है ये, किसके साथ, सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ होता है, जब मुझे क्या करना है, एग्जैक्ट मैच अगर मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए सिर्फ 124 का रिकॉर्ड का चाहिए, पर मुझे मिल रहे हैं सभी के सभी। मान लो कोई 10% है, मुझे 10% का रिकॉर्ड एक साथ में मिल जा रहा है, पर मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक का बंदे का चाहिए, है ना। तब हम यूज करते हैं वेयर क्लाउज का सिंपली। फिर नेक्स्ट लिखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिनल पर्पस ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल का मेन पर्पस क्या था, है ना। तो सबसे पहले लिखा है टू स्पेसिफाई द सिंटेक्स एंड सिमेंटिक इन एसक्यूएल डाटा डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये चीज तो करेक्ट है ना। पहला कि हम क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक ऑफ एसक्यूएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, डीडीएल हम यूज करते हैं एसक्यूएल के अंदर। सेकंड लिखा था इसने टू स्पेसिफाई द सिंटेक्स एंड सिमेंटिक ऑफ एसक्यूएल मैनिपुलेशन, है ना। तो हम जब एसक्यूएल पढ़ते हैं तो उसमें डीडीएल भी यूज करते हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज भी यूज करते हैं, डीएमएल का भी यूज करते हैं, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज भी ठीक है। थर्ड लिखा था इसने टू डिफाइन द डाटा स्ट्रक्चर, कि हम क्या करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, है ना। डाटा स्ट्रक्चर के अंदर एक्चुअल में हम क्या डालते हैं, जो भी यूजर का डाटा होता है, बेसिकली डाटा सेटअप जो हमारा मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली रिकॉर्ड बोलते हैं ना। तो ये लिखा है यहाँ पे कि हम डिफाइन भी कर सकते हैं डाटा के स्ट्रक्चर को। तो सिंपल इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट लिखा था द ऑल और नन प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हम जब ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग डाटाबेस पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम चार प्रॉपर्टी बेसिकली पढ़ते हैं। ठीक है, उन प्रॉपर्टी का नाम होता है एसिड प्रॉपर्टी बोलते हैं बेसिकली उनको, है एसिड प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है उसमें एक टर्म आती है ऑल ऑल और नन, इसका मतलब है कि जो ट्रांजेक्शन होगी वो होगी कंप्लीटली होगी या नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, पार्शियल नहीं होगा। जैसे मान लो कोई एक पर्सन ए है, वो क्या कर रहा है, बी पर्सन को क्या कर रहा है, कुछ अमाउंट सेंड कर रहा है, मान लो 50 रुपये सेंड कर रहा है उसको। तो क्या हो रहा है कि अगर ए के पास मान लो 100 रुपये है, अगर ए से वो पैसे कट गए, ठीक है, और मान लो कि बी के पास नहीं पहुंचे, है ना। तो वही मतलब होता है कि अगर ट्रांजेक्शन होगी तो सक्सेसफुल दोनों साइड होगी, नहीं तो नहीं होगी, है ना। तो इस प्रॉपर्टी को बोला है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एटोमिसिटी। ठीक है, तो ये ए है, इस ए स्टैंड फॉर एटोमिक सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या मतलब थर्ड क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी स्टैंड फॉर हमारा कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी। उसके अलावा जो हमारा आई होता है, आई स्टैंड फॉर आइसोलेशन, एंड डी स्टैंड फॉर ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी इसकी फुल फॉर्म है, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं एसिड की। एसिड स्टैंड फॉर एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म भी नोट कर लेना। नेक्स्ट लिखा है इनफॉर्मल रिलेशनल मॉडम द सेट ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज आर कॉल्ड। अब यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज, है ना। तो इसका क्या मतलब होता है, रेंज बोलेंगे इसको, डोमेन बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे, या फिर टप्पल बोलेंगे। तो यहाँ जब भी
इंडिविजुअल वैल्यूज की बात आती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोमेन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं उसका डोमेन। तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट लिखा है द यूजर हु यूज इजी टू यूज मेनू आर। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि ऐसे कौन से यूजर हैं जो इजी टू यूज मतलब मेनू को इजिली यूज कर सकते हैं, किसके डाटाबेस के, तो उन यूजर को हम क्या बोलेंगे, सोफेस्टिकेटेड एंड यूजर बोलेंगे, नेटिव यूजर बोलेंगे, स्टैंड अलोन यूजर बोलेंगे, या फिर कैजुअल एंड यूजर बोलेंगे। ठीक है, तो यार जब भी हम यूजर की बात करते हैं जो इजी टू यूज क्या होते हैं, मेनूज को जो भी होते हैं डाटाबेस के उनको इजिली यूज कर सकते हैं, तो इनको हम रखते हैं किस कैटेगरी अंदर, नेटिव यूजर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आई ट्रिपली क्रिएटेड फास्ट ईथरनेट अंडर। यहाँ पे बोला है कि आई ट्रिपली ने फास्टेस्ट ईथरनेट दिया था। ठीक है, तो किसके अंदर दिया था, बेसिकली 10^5 के अंदर, 10^2 के अंदर, 10^T के अंदर, या फिर एफ के अंदर। तो यार हाँ, जब भी हम पढ़ते हैं ईथरनेट के, तो जो फास्टेस्ट देता है वो देता है हमारे 10^T देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन हमारा थर्ड करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट लिखा था अ फिल इन द ब्लैंक्स एरर मीन्स दैट टू और मोर बिट इन डाटा यूनिट हैव चेंज्ड। ठीक है, अब एरर का मतलब क्या है, एरर का मतलब होता है कुछ चीज मतलब क्या होता है कि मैं डाटा भेज रहा हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, मैं कुछ ये डाटा भेज रहा हूँ किसी पर्सन को, है ना, तो क्या हो रहा है, ये मेरा सेंडर साइड का आ गया, अब मेरे रिसीवर साइड पे क्या हो रहा है, ये 1 की जगह मेरा 0 हो गया, 0 की जगह मेरा 1 हो गया, है ना, ये 1 तो सेम टू सेम वैसा ही पहुंचा, पर 0 की जगह फिर 1 हो गया, और 1 की जगह फिर से ये 0 हो गया। ठीक है, सेंडर ने मुझे डाटा भेजा ये, है ना, पर रिसीवर को रिसीव हुआ ये। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, जो बिट्स हैं वो चेंज हो गया, मतलब क्या एरर अकर हो गया यहाँ पे, है ना, एरर आ गया इसके बीच में। तो वो लिखा है जहाँ पे दो या दो से अधिक बिट्स में, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टाइम पे एरर आ गया, दूसरे टाइम पे यहाँ पे एरर आ गया, है ना, तीसरा ठीक था, फोर्थ और फिफ्थ में फिर से ही एरर आ गया। तो ये लिखा है यहाँ पे दो या दो से ज्यादा बिट्स में क्या होता है, मतलब चेंज हो जाता है या फिर एरर आ जाता है, तो उस टाइम पे उसको हम क्या बोलते हैं, बर्स्ट एरर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, इसके अलावा हम सिंगल बिट किसको बोलेंगे, सिंगल बिट एरर, एक एरर भी होता है। सिंगल बिट में क्या होगा, जैसे मान लो एक ये डाटा ट्रांसफर हो रहा है, इसमें सिर्फ एक बिट कोई चेंज होगी। ठीक है, मान लो ये 0 का 1 हो गया, बाकी एज इट इज डाटा पहुंच गया, तो यहाँ पे इस टाइम पे ये क्या होगा, हमारा सिंगल बिट एरर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मल्टीपल या दो से ज्यादा मतलब क्या हो रहा है, डाटा चेंज हो रहा है, तो उसको हम रखते हैं बर्स्ट एरर के बीच में, है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट लिखा है फुल फॉर्म ऑफ डॉक्स। ठीक है, पहले डॉक्स किसकी बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होती है हमारी वर्ड की होती है, एमएस वर्ड की। यहाँ पे बोले कि डॉक्स की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो डॉक्स की फुल फॉर्म याद रखना ये होती है डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट लिखा था फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। यहाँ बोला कि फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन था हमारा। ठीक है, तो वो कौन था हमारा, हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ENIAC करके। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, ENIAC पढ़ते हैं, पर ENIAC का पुराना नाम क्या था, ENIAC का पुराना नाम था ABC। ठीक है, एंटासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। तो कई कई बार ऑप्शन में दे रखा होता है ABC और कई बार लिखा होता है ENIAC। ठीक है, पर दोनों सिस्टम एक ही है, मतलब क्या था, जो ENIAC था इसका पुराना नाम था ABC, या फिर उल्टा बोल लो ABC का जो नया नाम था उन्होंने चेंज करके रख दिया था ENIAC करके, है ना, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट लिखा था विच सिस्टम कंसिस्ट द वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। अब वर्ल्ड का जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन था हमारा, इंटेल का, है ना, इंटेल का था, कौन सा था, 4004। कितने बिट का था ये हमारा, 4 बिट का था, है ना, कब आया था ये, 1971 के आसपास, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था ये कौन से सिस्टम में आया था, मतलब एक्चुअल में कोई कंप्यूटर होगा उसके अंदर इसको इंसर्ट किया होगा, है ना, तो वही पूछा है यहाँ पे। तो किया था हमारा एल्टर 8000 के अंदर। ठीक है, 8800 के अंदर। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हमारा फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट लिखा है फर्स्ट मिनी कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रहा था, यहाँ पूछा है फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, तुम्हारा फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन था हमारा, PDP-8 था, याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन था हमारा, PDP-8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास इन विच जनरेशन प्रिंटर इज यूटिलाइज्ड। मतलब सिंपल बोलने का मतलब है कि प्रिंटर कौन सी जनरेशन में यूज हुए थे सबसे पहले, थर्ड में, सेकंड में, फोर्थ में, या फिर फिफ्थ में। तो यार जब भी प्रिंटर्स की बात करते हैं तो जो हमारी सेकंड जनरेशन के सिस्टम थे वहां से क्या हुआ, हमने प्रिंटर का यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, प्रिंटर पे हमें क्या मिलता था, एग्जैक्टली आउटपुट मिलती थी उस टाइम पे, है ना, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विच अमंग दीज इज अ वैलिड फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड।
अब यहाँ पे लिखा है कि इनमें से कौन सा वैलिड फॉन्ट साइज होगा एमएस वर्ड के अंदर। फर्स्ट लिखा है 1.1 पॉइंट, सेकंड लिखा है 1.5 पॉइंट, थर्ड लिखा है 2.4, फोर्थ लिखा है 2.75 पॉइंट। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है हमारा, मतलब 1 पॉइंट बोल लो उसको, है ना, सबसे जो लोएस्ट होता है 1 होता है, और मैक्सिमम चलता है हमारा 16 समथिंग करके, ना 1638 करके चलता है मैक्सिमम इसका, है ना। तो यहाँ पे ये क्या लिखा है, अब ये क्या है, बाई डिफॉल्ट हमें क्या मिलता है 8 और 72। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि 8 से नीचे नहीं होता है और 70 से ऊपर नहीं होता है ना। बाई डिफॉल्ट तो हमें 8 और 72 दिखता है, पर इससे पीछे भी होता है और इससे आगे भी जो वैल्यू है वो चलती है ना। पर यहाँ पे हमेशा रहना, जब भी हम एक पॉइंट से, जैसे मान लो मैंने 1 से शिफ्ट किया अगले पॉइंट तक, ठीक है, तो हम 0.5 का गैप रखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 पे हूँ, मैंने इसका इंक्रीमेंट किया फॉन्ट का, तो मैं 1 से 1.5 कर सकता हूँ, 1.2, 1.3 ऐसे करके नहीं कर सकता, है ना। तो जो भी हमारा स्केल बढ़ेगा वो 0.5 की स्केल में बढ़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन बी, क्योंकि ये कितना है, 1.5 स्केल है। ठीक है, तो ये क्या है, एक वैलिड है। अगर ये बाकी सारे क्या हमारे इनवैलिड है, क्योंकि इस फॉर्मेट में हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते या फिर डिक्रीज नहीं कर सकते। जब भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा वो 0.5 की स्केल में होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2.5 एक वैलिड है, 2.7 कोई बोले तो ये इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ पे 0.57 का गैप नहीं चाहिए, 0.5 का गैप हम ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, टू पेस्ट टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग इज टर्म्ड एज। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है मुझे क्या करना है, टेक्स्ट को पेस्ट करना है विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। ठीक है, मान लो कि मैंने कहीं से कोई चीज कॉपी की, उसमें क्या था, जो उसका टेक्स्ट था वो था बोल्ड, मतलब उसका जो टेक्स्ट था उसका जो फॉर्मेटिंग की थी उसके ऊपर, वो बाय डिफॉल्ट थी बोल्ड, है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ को टेक्स्ट चाहिए मुझे उसका। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एक टेक्स्ट आ गया जो क्या है, बोल्ड में है। ठीक है, ए बी थोड़ा क्या है, बोल्ड में है, ऐसे करके है, ए बी सी करके। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये बोल्ड में चाहिए, मुझे नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ए बी सी ऐसे करके चाहिए नॉर्मल, है ना। तो मैं कौन सा, जब हम पेस्ट करेंगे तो पेस्ट में हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, है ना। तो वही बोल रहा है कि उनमें से कौन सा जो एक वैलिड ऑप्शन होगा जिसकी हेल्प से हम ये कर सकते हैं। फर्स्ट लिखा है पेस्ट, तो पेस्ट क्या कहेगा, जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ भी बाय डिफॉल्ट उसको वैसे का वैसा ही पेस्ट कर देगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। मर्ज टेक्स्ट इन साइड अ सेल, ठीक है, तो हमें मर्जिंग करने नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। थर्ड लिखा है कीप टेक्स्ट ओनली, ठीक है, तो ये जो ऑप्शन होता है हमारा पेस्ट का, ठीक है, जब हम पेस्ट करेंगे तब यहाँ पे देखना, मतलब राइट क्लिक करके जब हम पेस्ट करने के उस आइकन पे क्लिक करते हैं, तो हमें 3-4 ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि हम क्या करना चाहिए, टेक्स्ट मर्ज करना चाहिए, या फिर फॉर्मेटिंग को मर्ज करना है उसके साथ, या फिर टेक्स्ट को सिर्फ और सिर्फ कीप टेक्स्ट ओनली, कि मुझे सिर्फ टेक्स्ट ही चाहिए, उसकी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, है ना। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, कीप टेक्स्ट ओनली पे टिक करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन हमारा, थर्ड करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट विद ओनली टेक्स्ट, ये कोई ऑप्शन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट लिखा है हमारे पास, कंटेक्चुअल एरर इज रिप्रेजेंटेड विद। ठीक है, यहाँ पे बोलने का मतलब जो हमारा कंटेक्चुअल एरर है उसको हम किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रेड लाइन, ब्लैक लाइन, ग्रीन लाइन या फिर ब्लू लाइन। ठीक है, रेड लाइन हमें कब दिखती है, जब हमारा जो मिस्टेक होती है ग्रामेटिक, मतलब बोल देते हैं उसको, जब हमारे से मान लो मेरे स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक आ गई, ठीक है, स्पेलिंग की मैंने कुछ गलत लिख दिया, तो उस टाइम पे आती है हमारी रेड लाइन। ठीक है, ऐसे करके क्या होता है, वो रेड वेव आ जाती है नीचे, तो यहाँ पे ये यह गलत हो गया। ठीक है, ब्लैक लाइन होती नहीं है। फिर यहाँ पे जो हम कंटेक्चुअल एरर की बात करते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारा लाइन जनरेट होती है वो होती है ब्लू लाइन। ठीक है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, कंटेक्चुअल एरर के लिए जो जनरेट होती है ब्लू लाइन। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन डी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द फिल इन द ब्लैंक टैग्स अमंग विथ इट एसोसिएटेड टैग्स एट्रीब्यूट इज यूज इन टू वे टू सेपरेट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कंटेंट एंड टू प्रेजेंट कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इतना लंबा लिखा है, पर इसका सिंपल मतलब ये है, इन्होंने बोला है कि ऐसा कौन सा टैग है जो एज अ जिसमें इसके अंदर हम काफी लंबा लंबा या फिर जो कंटेंट की तरह काम करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कंटेंट ऐड करते हैं सिंपली, जो काफी लेंथ, मतलब उसकी लेंथ विड्थ कुछ भी हो सकती है, उसमें हम बेसिकली कंटेंट ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक। तो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक ऑब्वियसली किसमें बनते हैं, हमारे टेबल के अंदर बनते हैं, है ना। यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे इसने मेंशन किया है कि जो हम क्या करते हैं सेपरेट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कंटेंट। ठीक है, डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कंटेंट किसमें आएंगे, अभी मान लो मैंने किए टेबल ड्रॉ कर दिया, है ना, टेबल में क्या होगा, अब ये डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स ही तो आए सिंपली, है ना, जिसके अंदर हम क्या डालेंगे कंटेंट डालेंगे। तो हम टेबल बनाने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, टेबल टैग का यूज करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिनेस आ गया, फॉर विच पर्पस शॉर्टकट की एन इज यूज्ड ड्यूरिंग द स्लाइड शो इन एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, अगर हम सिंपली एन जब प्रेस करते हैं, मान लो कि मेरी प्रेजेंटेशन अभी चल रही है,
तो मैं एन प्रेस कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, सिंपली वो बोलने का मतलब यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है मूव टू प्रीवियस स्लाइड, कि मैं पिछली स्लाइड में वापिस चला जाऊंगा। सेकंड लिखा है मूव टू नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट एनिमेशन, ठीक है। तो एन हम यूज करते हैं अगर मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना हो या फिर नेक्स्ट एनिमेशन के ऊपर जाना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा ऑप्शन है, बी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन HTML व्हाट डज द टेक्स्ट एरिया टैग डू, जो हमारा टेक्स्ट एरिया टैग होता है वो क्या काम करता है। टेक्स्ट एरिया का मतलब, अब एरिया हमें पता है क्या होगा, ठीक है। अब ये आ गया एरिया, अब टेक्स्ट का मतलब क्या है कि इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया का मतलब क्या हो जाएगा कि एक हमें बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर हम डाटा टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसने लिखा है क्रिएट अ पैराग्राफ, पैराग्राफ के लिए हम कौन सा टैग पढ़ते हैं, पी टैग। तो ये तो पहले ही गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड लिखा था अलाइन टेक्स्ट, ठीक है, तो अलाइन नहीं करते हैं इसे, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड लिखा है इसने रेंडर अ बॉक्स, ठीक है। रेंडर का मतलब है कि HTML मतलब ब्राउजर उसको समझेगा कि टेक्स्ट, जो टेक्स्ट बॉक्स है या टेक्स्ट एरिया है, ब्राउजर इसको क्या समझेगा कि जो भी मुझे अब बनाना है वो क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। रेंडर अ बॉक्स दैट यू कैन टाइप इन, जिसके अंदर क्या करे यूजर टाइप कर पाए, है ना। तो सिंपली इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रेंडरिंग करके मतलब ब्राउजर जब HTML के इस कोड को समझेगा, टेक्स्ट एरिया के टैग को समझेगा, तो वो क्या डिस्प्ले करेगा हमें, इस तरह का एक बॉक्स डिस्प्ले करेगा जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डाटा लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम किसी चीज़ का रिव्यू देते हैं ना, तभी हमें क्या मिलता है, एक छोटा टेक्स्ट एरिया मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक कमांड इज यूज टू मैनिपुलेट TCP/IP राउटिंग टेबल। ऐसी कौन सी ऐसी कमांड है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं TCP/IP के जो राउटिंग टेबल होता है ना, राउटिंग मतलब राउटर, ठीक है। राउटर कौन सी लेयर में यूज होता है, हमारे नेटवर्क लेयर में, है ना। तो इसी के बारे में पूछा, तो इसके लिए हम कौन सी कमांड पढ़ते हैं, रूट कमांड पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाकी सारे क्या हमारे इनकरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द 4 byte IP address कंसिस्ट ऑफ, अब ये हमारे 4 byte जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब 4 byte, ठीक है, 4 byte का मतलब कितना हो गया हमारे पास, 32 bit, है ना। अब 32 bit का मतलब क्या होता है हमारे पास, जब भी हम आईपी मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको हम कितने लिखते हैं, 4 octet में लिखते हैं बेसिकली, है ना। क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, IP version 4, ठीक है। वर्जन 4 का मतलब क्या है, उसको हम 4 octet में रखते हैं। तो हर एक ऑक्टेट कितने कितने बिट का होता है हमारे पास, 8 8 बिट का, ठीक है, 8 8 8 एंड 8। तो 8 4 का कितना हो गया, 32 बिट, ठीक है। फिर 32 बिट को ही हम क्या बोल देते हैं, 4 byte बोलते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे भी कि जो हमारा 4 byte होता है इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। तो जब भी हम क्लासेस पढ़ते हैं, क्लास A B C D, है ना, तो यहाँ पे होता क्या है, हम दो चीज़ें पढ़ते हैं मेनली, एक तो हम पढ़ते हैं नेटवर्क के लिए और एक हम पढ़ते हैं होस्ट के लिए, ठीक है। एड्रेस फॉर द नेटवर्क एंड एड्रेस फॉर द होस्ट, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं मेनली दो चीजें। तो यहाँ पे सिंपली क्या आएगा, एक आईपी एड्रेस होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये तो नेटवर्क भी होता है और हमारा होस्ट भी होता है। तो यहाँ पे सिंपली आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी, कि नेटवर्क भी होता है और होस्ट भी हमारा प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट आ गया, गिवन द कोड सेगमेंट, यहाँ पे कोड दे रखा है, ठीक है, कैरेक्टर के अंदर मतलब कैर के अंदर लिखा है ए, इसके अंदर एरे, एरे के अंदर पास किया ABC, ठीक है, एरे के अंदर पास किया AB और C, ठीक है। तो मान लो ये मैं एरे बना देता हूँ, उसके अंदर पास कर दिया मैंने ABC, ठीक है, और इसका एड्रेस मान लेते हैं, मान लो ये आ गया 100, ये आ गया 100 1 और ये आ गया 102। अब यहाँ पे लिखा है इन्होंने साथ में बनाया है पॉइंटर इसका, ठीक है, स्टार पी करके इसका क्या बनाया है, पॉइंटर बनाया बेसिकली, है ना। अब यहाँ पे लिखा है इन्होंने कोड मतलब सिंपल लिखा है यहाँ पे इन्होंने, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असाइन द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग। अब यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन दे रखे हैं वो असाइन करेगा स्टार्टिंग एड्रेस, ठीक है। अब स्टार्टिंग एड्रेस मतलब क्या होगा, बेस एड्रेस, बेस एड्रेस कौन सा है इसका, यहाँ पे 100, 100 क्या है इसका, बेस एड्रेस है बेसिकली, बेस एड्रेस बोलो या फिर इंडेक्स एड्रेस बोलो, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है बेसिकली, एरे का 0 से स्टार्ट होता है। तो भी बोला कि अगर मुझे बेस एड्रेस या फिर इंडेक्स एड्रेस पास करना होगा कहाँ पे, अपने पॉइंटर के अंदर, तो कौन सा बेसिकली यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फर्स्ट लिखा है उन्होंने P=A, ठीक है, P=A। अब इसका क्या मतलब है, पी हमारा क्या है, एक पॉइंटर है, ठीक है। पॉइंटर क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब ऐसी जगह होगी जो क्या करेगी, किसी दूसरे जगह की इंफॉर्मेशन अपने अंदर होल्ड करके रखेगी, सिंपली वो मतलब है इसका। तो अब ए की इंफॉर्मेशन क्या होगा, अब ए की इंफॉर्मेशन क्या है बेसिकली, अब ए क्या हमारा एक एड वो है, ठीक है। अब यहाँ पे ए क्या है, एक एरे है, एरे का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, यहाँ पे 100। तो अब ए जब हम असाइन करेंगे पी के अंदर, तो ए का
वैल्यू मान लो ए के अंदर कुछ वैल्यू पड़ी है 10, तो यहाँ पे 10 नहीं असाइन होगा, यहाँ पे इसको जो एड्रेस होगा वो असाइन जाएगा यहाँ पे पी के अंदर, ठीक है। कि पी क्या होल्ड करेगा, ए का कोई डाटा है मतलब डाटा नहीं होल्ड करेगा, वो ए का एड्रेस होल्ड करेगा। तो ए का एड्रेस क्या है, स्टार्टिंग का 100 है, तो ये 100 कहाँ जाएगा, इसके अंदर। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वही क्या है, हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर हम कंटेंट की बात करते हैं ना, कि अगर मुझे कोई कंटेंट डालना है ना, तब हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, पी इक्वल टू एंड ए करके। तो इससे क्या होता है, हमारा कंटेंट ऐड होता, ठीक है, उस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच हेडर फाइल शुड बी इंक्लूडेड टू यूज फंक्शन लाइक मैलोक एंड कैलोक, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जो हमारी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन होते हैं मैलोक और कैलोक, अगर मुझे उनको सी लैंग्वेज में यूज करना है, ठीक है, तो हम कौन सी लाइब्रेरी फाइल का यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखना हम यूज करते हैं stdlib.h का, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच का। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट लिखा है, फॉर कंप्यूटर वर्ड कंसिस्ट ऑफ जीरो एंड वन ओनली टू स्टोर द जीरो एंड वन्स, फिल इन द ब्लैंक इज प्लेस्ड इनसाइड प्रोसेसर। अब यहाँ पे बोला है कि हमें पता है जो हमारा कंप्यूटर है वो जीरो और वन की फॉर्म में काम करता है, हाँ ये बात तो ठीक है। फिर उन्होंने लिखा है कि अगर मुझे जीरो और वन को अपने सिस्टम के अंदर स्टोर करना पड़ेगा तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, वो लिखा है। फर्स्ट लिखा है इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, नहीं। सेकंड लिखा है इंस्ट्रक्शन सेट की जरूरत पड़ेगी, नहीं, क्योंकि मुझे डाटा क्या करना है, स्टोर करवाना है, ठीक है। तो हम जब भी पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर्स के बारे में, ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या करता है, इनको स्टोर करता है अपने अंदर, चाहे जीरो डाल दो चाहे इसके अंदर वन डाल दो, है ना। कई बार पूछते हैं कि व्हाट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिटल सर्किट, है ना। तो तब भी हम क्या बोलते हैं, हमारे पास जो हमारे फ्लिप फ्लॉप होते हैं, है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन से हमारे, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, कौन से होते हैं, हमारे फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं उनको, ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछ लेते हैं इन चीजों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, यूनिकोड यूजर। अब यहाँ पे सिंपली लिखा है यूनिकोड का एक यूजर होगा। अब यहाँ पे सिंपली लिखा है कि कितने बिट्स का होगा, बाकी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है यूनिकोड क्या होता है, जिसके अंदर करेक्टर्स भी आते हैं स्पेशल, मतलब मान लो कि कोई ए बी सी डी ऐसे करके लिखा है, ए बी सी डी, ठीक है। अब इनका मतलब क्या होता है, ये सारे के सारे किसी न किसी उसमें मतलब कोड किए होंगे, सिंपली है ना। यूनिकोड का मतलब यही होता है, जैसे ए का स्काई वैल्यू कितनी है, 65, ठीक है। अब 65 का वही है ना, 0101 के फॉर्म में उसको पूरा लिख लो। तो सिंपली मतलब समझने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है ना, तो उसका हमें एक बाइनरी कोड बनाना पड़ता है, सिंपली, है ना। बाइनरी कोड बना लो, मतलब बना लो, या फिर उसका डिजिटल कोड बना लो, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है कि जो हमारा यूनिकोड होता है वो कितने बिट का होता है, ठीक है। तो हमारा जो हमारा यूनिकोड होता है वो होता है हमारा 16 बिट का। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, बिल गेट्स को फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। बोल रहा है कि यहाँ पे जो हमारा बिल गेट्स था, इसने क्या दिया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई है सिंपली, पर इसके साथ इसका कोपनर मतलब पार्टनर कौन था बिल गेट के साथ, ठीक है। तो बिल गेट के साथ याद रखना हमारे जो पॉल जी एलन थे, ये भी क्या थे, इन दोनों ने मिलकर बनाई थी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है। हमेशा बिल गेट्स का नाम नहीं आना चाहिए, दोनों पर्सन थे, इन दोनों ने बनाई थी माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन, हमारा डी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट लिखा है, लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लॉजिक के ऊपर काम करेगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में लॉजिक प्रोग्रामिंग होती क्या है, मतलब ये ऐसी प्रोग्रामिंग होती है जहाँ पे हमें, जैसे पहले हम क्या करते थे, हमें एक सीक्वेंस में कोड लिखना पड़ता था, है ना, एक हमें सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता था सिंपली जब हम कोड लिखते थे, ठीक है। जो पर लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये बोलती है कि आप सिर्फ मुझे इनपुट बताओ और मुझे आउटपुट क्या चाहिए वो बताओ, ठीक है। उसको कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है, उसको बस इनपुट और आउटपुट से लेना देना है, ठीक है। तो ये इस टाइप की जो लैंग्वेज होती है इसको हम रखते हैं लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, या फिर इसको बोलते हैं नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज के अंदर बेसिकली रखते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में किसके अंडर आती है, मतलब एग्जाम्पल इसका समझ लेते हैं, जैसे जो हमारी लिस्प लैंग्वेज होगी, ठीक है, जो हम फिफ्थ जनरेशन में यूज करते हैं लिस्प लैंग्वेज, लिस्प होगी, प्रोलॉग होगी, है ना। तो ये सारी की सारी किसके अंदर आती है, हमारी लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और याद रखना इस चीज को, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।